आम्रखंड बनाने के लिए मैंने एक कप दही लिया था और उसको ऐसे कॉटन के कपड़े में बांध दिया था। उसका सारा पानी हमने निकाल लिया है और अब हमें ये उसका चक्का मिल गया है, हंकड़। अब इसके साथ हम बनाएंगे आम्रखंड। एक पाव दही से हमने ये हंकड़ बना लिया है, मतलब दही का चक्का बना लिया है। ये आधे कप के करीब बन जाता है। अब हम इसमें आधा कप ही ये मैंगो का प्यूरे है ये डालेंगे और इसमें आधा कप 1/4 कप चीनी डालेंगे और ये इलायची और जायफल का पाउडर है ये डालेंगे 1/4 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आम्रखंड बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत फटाफट बना सकते हैं इसे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ बन जाए। अब मैंने इसे इस छलनी में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ बन जाए। स्ट्रेन करने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्मूथ आम्रखंड बनके तैयार हो गया है।